बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटे कल हमने चैप्टर 11 का फर्स्ट हाफ पोर्शन स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान रिलेशनशिप को देखा था। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है उसका मेंशन हुआ, उसके डिफरेंट वेज को हमने देखा, डिफरेंट डिवाइसेस को देखा, जैसे डायनमो है और या जनरेटर है जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ये चीजें डिस्कस हुई और डिफरेंट पावर स्टेशंस जो है उनकी बात हुई। तो एनर्जी सोर्सेस को हमने देखा जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो आज बेटे हमारा टॉपिक है वी आर टू स्टडी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स पेश आते हैं, ये हमने आज स्टार्ट करना है टॉपिक। तो बताया कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के डिफरेंट मेथड्स जैसे कि डिस्कस हुए लास्ट लेक्चर में, इनमें हम इंडिविजुअली इनको देखेंगे। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को देखें। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के अंदर क्या होता है, ये चीपेस्ट वे है इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस होती है। ये चीपेस्ट वे यानी है बहुत ही सस्ता सा तरीका है ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का। लेकिन इसमें हमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, जिसमें पहला प्रॉब्लम मेंशन हुआ वाटर टेबल का राइज होना। वाटर टेबल क्या है, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको वाटर टेबल कहते हैं। ये जो हम पंपिंग करके मोटर के जरिए ट्यूबवेल के जरिए जो पानी बाहर निकालते हैं, तो जेरे जमीन पानी जो है उसके लेवल को उसको वाटर टेबल कहा जाता है। तो जब हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहां पे चूंकि पानी स्टोर रहता है और फिर खड़ा रहता है वहां पे, बारिशों का पानी हम वहां पे स्टोर कर लेते हैं और फिर वो मुसलसल रुका रहता है, तो वो नीचे परकोलेट करता रहता है। रिजल्ट क्या होता है कि वाटर टेबल जो है, इवन जो नियर बी एरियाज होते हैं ना डैम के आसपास के इलाके, वहां का भी वाटर टेबल राइज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर लॉगिंग। वाटर लेवल का राइज हो जाना ये प्रोसेस वाटर लॉगिंग कहलाता है। और पानी आप देखते हैं कि वो पानी सरफेस ऑफ लैंड जो है, सरफेस ऑफ सॉइल जो है, इसके ऊपर आ जाता है। अब जो पानी वहां पे ज्यादा हो गया, जिसको सेम का वर्ड भी यूज किया जाता है कि सेम वहां पे हो गई है, तो वो जो लैंड होती है दैट बिकम्स अनकल्टिवेबल, वो काबिले काश्त नहीं रहती, वहां पे हम फसलें काश्त नहीं कर सकते। एक तो ये प्रॉब्लम हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का कि वाटर लॉगिंग हो जाती है और जमीन काबिले काश्त नहीं रहती। दूसरी बात, विंटर में सर्दियों के मौसम में पानी की शॉर्टेज हो जाती है। अब जब पानी की शॉर्टेज हो जाए तो हम लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको मालूम है जिस तरह लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है कि पानी का लेवल जो है वो फॉल कर गया और पावर जनरेशन नहीं हो रही प्रॉपर, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, लोड शेडिंग। इसके अलावा थर्ड प्रॉब्लम क्या बताया गया कि जिस जगह हमने डैम्स बनाने होते हैं वहां की जो पॉपुलेशन होती है, उस एरिया की जो पॉपुलेशन होती है उसको हमें शिफ्ट करना पड़ता है टू अदर प्लेसेस, और जगहों पे उनको शिफ्ट करना पड़ता है क्योंकि वहां पे अगर डैम बनाएंगे तो काफी ज्यादा जगह चाहिए होती है। तो शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया जो है, ये भी एक प्रॉब्लम। तो ये तीन प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के सिलसिले में हमें फेस करने पड़ते हैं। एक वाटर टेबल का राइज होना जैसे वाटर लॉगिंग होती है और जमीन काबले काश्त नहीं रहती। दूसरा मैंने बताया कि सर्दियों के मौसम में पानी की शॉर्टेज की वजह से लार्ज स्केल पे पावर जनरेशन नहीं हो सकती। और तीसरा मैंने बताया कि जिस जगह हमने डैम कंस्ट्रक्ट करना होता है वहां की पॉपुलेशन को हमें और इलाकों में शिफ्ट करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा मेथड जो है, जो फॉसिल फ्यूल्स का यूज था थर्मल पावर स्टेशन जो है, इसके हवाले से हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, ऑयल यूज करें, गैस, कोल वगैरह यूज करें, तो ये जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं बेटे ये सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। दे आर रनिंग शॉर्ट डेटेड, हर रोज जो है इनमें कमी आ रही है, ये खत्म होते जा रहे हैं और इनके कम होने की वजह से ही प्राइसेज जो हैं दे आर शूटिंग अप, प्राइसेज बढ़ रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी की मसलन जो है वो बिल्स वगैरह जो हैं वो बढ़ रहे हैं,
मजीद कहे कि फॉसिल फ्यूल्स की जब बर्निंग होती है तो उससे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं एटमॉस्फेयर में। ये हार्मफुल गैसेस जो हैं एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं। तो बेटा फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से दो प्रॉब्लम जो पेश आए वो क्या है, पहली बात कि दे आर रनिंग शॉर्ट, वो खत्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, और उनके खत्म होने से, उनके कम होने से क्या हो रहा है कि उनकी वजह से जो आगे पावर जनरेशन होती है तो पावर जनरेशन की कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइसेस जो है वो राइज कर रही हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि इससे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से, और ये जो हार्मफुल गैसेस हैं इनके आगे क्या असरात होते हैं, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये दो प्रॉब्लम्स आपको फॉसिल फ्यूल के बर्निंग के पता है, जैसे कि जो कि थर्मल पावर स्टेशन से रिलेटेड बात हुई। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखें न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के हवाले से, मोस्ट जो एडवांस कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए। अब ये प्रोसेस इतना एक्सपेंसिव तो नहीं है लेकिन रिस्की बहुत है, खतरा बहुत होता है इसका। किस चीज का, हार्मफुल रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, इनका बहुत खतरा होता है ये, अगर ये रेडिएशंस जो है इनकी लीकेज हो जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, न्यूक्लियर रिएक्टर से अगर ये रेडिएशंस लीक हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में तो पोल्यूशन कॉज करेंगी और ये बहुत डेंजरस होती हैं। और प्रॉब्लम इसका जो है दूसरा वो है डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट का। जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है ये भी रेडियो एक्टिव होता है, हाईली रेडियो एक्टिव है, और इसका जो डिस्पोजल है इसको डिस्पोज करना ये बहुत मसला होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसके कुछ तरीके जो हैं वो फिर यूज किए जाते हैं, वैसे इसकी डंपिंग कर दी जाती है इन ओशंस, या फिर इसको रॉकेट्स में जो है वो फिल करके टुवर्ड्स द सन जो है वो मूव कर दिया जाता है, लेकिन उसका भी खतरा होता है कि रॉकेट एक्सप्लोड भी कर सकता है। तो ये इसका दूसरा आपको प्रॉब्लम बताया गया न्यूक्लियर पावर स्टेशन के हवाले से, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, क्योंकि वो भी रेडियो एक्टिव है। तो मेन इसमें इशू क्या हुआ, रेडिएशन का। फोर्थ मेथड हमारा था सोलर पावर जनरेशन का, जो कि आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रही है, यानी लोग इसको लाइट तो बहुत कर रहे हैं और ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है और इससे कोई पोल्यूशन भी कॉज नहीं होती क्योंकि कोई हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती, कोई पोल्यूटेंट प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन इससे रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो क्या है, हाई इनिशियल कॉस्ट, इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है इनिशियल कॉस्ट वो बहुत ज्यादा है। सोलर पैनल्स जो हम लगाते हैं ये बहुत महंगे हैं, और जो सोलर बैटरीज हम यूज करते हैं पावर को स्टोर करने के लिए, सोलर पावर को स्टोर करने के लिए, सोलर एनर्जी को, वो भी बहुत महंगी हैं। तो इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट का ज्यादा होना ये सोलर पावर जनरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया। अब विंड एनर्जी से रिलेटेड क्या इशू है, वैसे तो विंड एनर्जी भी देखे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे कोई पोल्यूशन भी कॉज नहीं होती, तो इसका भी बेटे इनिशियल कॉस्ट जो है इसकी इंस्टॉलेशन की वो बहुत ज्यादा है। एक तो इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, और दूसरा इसका प्रॉब्लम ये है कि जो विंड फार्म्स होते हैं ये लार्ज एरियाज को कवर कर लेते हैं, बड़ी एक्सपेंसिव लैंड होती है। हम से वो जगह देखते हैं जहां पे हवाएं जो है वो तेज चल रही हो, चलती हो, तो वहां पर वो ये विंड मिल्स इंस्टॉल कर लेते हैं, तो एक्सपेंसिव लैंड्स हमारी जो हैं वो अनकल्टिवेबल हो जाती हैं, वहां पे यानी कि हम फसलें काश नहीं कर सकते जिनसे कि अच्छी यील्ड मिल सकती थी अगर फसलें काश की जाती। मोरओवर क्या है कि ये नॉइज़ी भी होती हैं, इनका शोर भी बहुत होता है कि आसपास वहां पे आबादी जो है पॉसिबल नहीं होती, इनका शोर बहुत होता है। इवन के देयर आल्सो डेंजर टू बर्ड्स देयर, वहां पे अगर कोई परंदे वगैरह हैं तो उनके लिए भी ये बहुत खतरा होता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं और काफी वास्ट एरियाज में ये लगे होते हैं। ये प्रॉब्लम्स थे जो कि हमने देखे विच आर इन्वॉल्व इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट बेटे देखें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का आपको बताया जा रहा है, बताया कि हम इलेक्ट्रॉनिक एज में रह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का कंट्रोल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बेटे देखें रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, एम्पलीफायर्स हैं, हाई फाई, ये साउंड सिस्टम्स होते हैं। वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन को देख लें, कम्युनिकेशन के सिस्टम, मोबाइल फोन्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वगैरह, ये सारी चीजें क्या हैं, ये कॉमन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं।
इंडिविजुअली हर एक जो इनमें से एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है पूरा पूरा पूरे का पूरा। अब इनमें क्या यूज होता है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है किस पर्पस के लिए, इनके फंक्शंस की परफॉर्मेंस के लिए। मतलब कौन से फंक्शंस इनमें परफॉर्म होते हैं, ये इनपुट डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं, इन डिवाइसेस को जो हम डाटा देते हैं ये उसको प्रोसेस करते हैं, और जो इंफॉर्मेशन हमें हासिल होती है उसको फिर हम ऑल्टर करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं टू अदर प्लेसेस, उसकी स्टोरेज करते हैं इंफॉर्मेशन की। तो ये सारे फंक्शंस कैसे होते हैं, बाय कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन ये सारे डिवाइसेस में ये जितने काम हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कंट्रोल करके करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट इसके अंदर जो डिवाइसेस यूज होते हैं ये हम अभी स्टडी करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन ये याद रखें कि ये ब्रांच है फिजिक्स की दैट इज कंसर्न्ड विद द बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जो है उसके बिहेवियर और उसके कंट्रोल से रिलेटेड जो स्टडी है ये फिजिक्स की जिस ब्रांच के तहत करते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ये यूज करते हैं शॉर्ट पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, करंट की शॉर्ट पल्सेस ही होते हैं सिग्नल्स की फॉर्म में, और इनके जरिए क्या होती है इंफॉर्मेशन कैरी होती है टू फार ऑफ प्लेसेस। लेटर ऑन ये होता है कि ये जो सिग्नल्स होते हैं इनकी डिकोडिंग होती है, ये दोबारा साउंड्स में पिक्चर्स में या जो भी इंफॉर्मेशन होती है जिसको ये कैरी कर रहे होते हैं कोडेड फॉर्म में ये उसमें कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। तो पहले इनकी फॉर्म में सिग्नल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन की एनकोडिंग होती है, फिर ट्रांसमिशन हो जाती है, उसके बाद डीकोडिंग हो जाती है। तो ये आपको डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं डिवाइसेस हैं उनकी बात की गई। यहाँ पे टीवी का जो सिस्टम है उसकी वर्किंग आपको ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन की गई है। इसके अंदर देखें टीवी का ये एरियल होता है। अब एरियल क्या करता है, ये सिग्नल्स को रिसीव करता है जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के आ रहे होते हैं। तो हमारा जो इसके टीवी के अंदर जो ट्यूनर होता है ये ट्यूनर किसी भी फ्रीक्वेंसी की वेव्स को या सिग्नल्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इस ट्यूनर से हम ट्यूनिंग करते हैं अपने टीवी के सर्किट की। तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी ट्यूनिंग हो जाएगी मैच कर जाएगी तो वो चैनल सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जिसके अंदर वीएन डिकोडर होता है और ऑडियो डिकोडर होता है। वीएन डिकोडर क्या करेगा कि इसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो आवाज के भी होते हैं वीडियो के भी होते हैं। तो टीवी के अंदर जो ये सिस्टम्स हैं ये उनको सिग्नल्स को सेपरेट कर देते हैं। जो वीएन डिकोडर होता है वो पिक्चर्स प्रोड्यूस करेगा और जो ऑडियो डिकोडर होता है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, यानी जो साउंड के सिग्नल्स हैं उनसे उनको साउंड में कन्वर्ट करेगा। जो वीएन डिकोडर है वो वीडियोस जो हैं ये पिक्चर्स हैं उनके सिग्नल्स को वीएन में कन्वर्ट करेगा, पिक्चर्स में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद वीएन एम्पलीफायर होता है कि अगर वो वीक है सिग्नल्स तो ये उनको स्ट्रेंथ देगा। इसमें ऑडियो एम्पलीफायर ऑडियो सिग्नल्स को स्ट्रेंथ देगा। ऑडियो सिग्नल्स बेटे लाउड स्पीकर को जाते हैं जिससे आवाज पैदा होती है, और वीएन एम्पलीफायर जो है वो वीडियो सिग्नल्स को पिक्चर ट्यूब को सेंड करता है तो उससे पिक्चर हमें नजर आती है। ये नेक्स्ट मैं इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर लूं, इसके बाद आपने जो क्वेश्चन पूछने में आपको चांस देता हूं। ये देखें पूरा सिस्टम एक्सप्लेन किया गया। कैमरा सबसे पहले क्या करता है, कैमरा पिक्चर को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में, और जो माइक्रोफोन है ये साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। कहां पे, टीवी स्टेशन पे। ये पहला स्टेप है बैठे कि टीवी स्टेशन पे साउंड को माइक्रोफोन इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, और जो हमारा कैमरा है वो पिक्चर्स को जो वीडियो इतना की है उसको भी इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा स्टेप ये होता है कि ये जो सिग्नल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हम इनको कैरियर वेव्स के साथ मिक्स करते हैं। कैरियर वेव्स के साथ मिक्स करना ये मॉड्यूलेशन कहलाता है। मॉडेम आपने जो पढ़ा या सुना, मॉडेम मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन जिसकी होती है वो ये होती है। तो इन कैरियर वेव्स क्या होती है, लाइट को इसमें हम यूज करते हैं, तो वो सिग्नल्स लाइट के साथ जो लाइट वेव्स के साथ मिला दिए जाते हैं।
मिक्सिंग के बाद उनको ट्रांसमिट कर दिया जाता है ट्रांसमीटर एंटेना के जरिए या केबल के जरिए उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है टू अदर प्लेसेस। उसके बाद आप टीवी के लेवल पे आए, सिग्नल्स टीवी रिसीव करता है किस फॉर्म में, अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में, वीक अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में सिग्नल्स आप टीवी को मिलते हैं। तो जैसे मैंने आपको टीवी के अंदर बताया कि इसमें ये एम्पलीफायर होते हैं, वीएन एम्पलीफायर और ऑडियो एम्पलीफायर, तो ये उनको एम्पलीफाई कर देते हैं, सिग्नल्स को स्ट्रांग कर देते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है कि लेकिन चौथे नंबर पे ये चीज लिखे कि सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड बाय द एम्पलीफायर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन द टीवी। टीवी के अंदर वीएन एम्पलीफायर भी है, ऑडियो एम्पलीफायर भी है, तो वो इन सिग्नल्स को क्या करेंगे, एम्पलीफाई कर देंगे, यानी ये सिग्नल वीक थे उन्होंने स्ट्रांग कर दिए। नेक्स्ट क्या होगा, सर्किट्स टीवी के अंदर होते हैं वो सेपरेट कर देंगे वीडियो और ऑडियो सिग्नल्स को। पहले तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इकट्ठे जा रहे थे, फिर वीडियो और ऑडियो सिग्नल अलग अलग हो जाएंगे बाय द सर्किट्स ऑफ द टीवी। वीडियो सिग्नल्स बेटे पिक्चर ट्यूब को जाते हैं और हमें स्क्रीन के ऊपर जो है वो मूव करती हुई पिक्चर नजर आती है। ये जैसा देखें यहाँ पे आपको बताया पिक्चर ट्यूब का कि वीएन के जो सिग्नल्स हैं वो पिक्चर ट्यूब को जाने हैं और जो ऑडियो सिग्नल्स हैं वो लाउड स्पीकर को जाने। लास्ट पॉइंट में बताया कि ऑडियो सिग्नल्स दे गो टू स्पीकर और स्पीकर उनको कन्वर्ट कर देगा बैक इनटू साउंड। तो इस तरह से जो टीवी के स्टेशन पर प्रोग्राम कोई भी ब्रॉडकास्ट हुआ था तो हमने घर बैठे टीवी पे उसको देखा है। ये सारे स्टेप्स आपने देखे जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट हमने बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ने हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के। आपका जिस बेटे का कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपने पूछना है, अभी इररिलेवेंट बात नहीं होनी चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड बात होगी। जी बेटे सर, मैंने आपसे पूछना था कि सर जब अगर हमारा ये जो पिक्चर ट्यूब है और इसके बारे में पूरा है इसके अंदर अगर हमारा जो ट्यूनर है वो अगर खराब हो जाए, अगर वो सेपरेट ही ना कर पाए सिग्नल, तो इसका मतलब इसमें खराबी हो रही है लाजिम बात है सिग्नल सेपरेट नहीं हो रहे, और जब सेपरेट नहीं होंगे आपको पिक्चर क्लियर नजर नहीं आएगी, ना आपको आवाज क्लियर नजर आएगी, क्लियर सुनाई देगी और ना पिक्चर नजर आएगी। बिल्कुल ये प्रॉब्लम हो सकता है, पिक्चर ट्यूब का भी हो सकता है, आगे लाउड स्पीकर का भी हो सकता है। बेटे ये एरियल वो होता है जो हमने एंटीना वगैरह नहीं लगाया होता। जी सर, वो जो एंटीना लगाया तो ये वो चीज होती है, ये इवन के एरियल जो होता है ना ये टीवी के अंदर भी होता है, टीवी के अंदर भी एरियल होता है जो कि उस एंटीना से सिग्नल्स को लेता है। लेकिन जो आजकल हम केबल टीवी यूज करते हैं ना वहां एंटीना की जरूरत नहीं होती, वो केबल के जरिए डायरेक्ट सिग्नल्स पहुंच जाते हैं। जी बेटे और क्वेश्चन? सर मेरे क्वेश्चन कंप्लीट। ओके अब म्यूट कर लें। नेक्स्ट। जी बेटे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था जिस तरह आपने बताया कि ट्यूनर में से दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं, जो वीएन और ऑडियो दोनों अलग हो जाती हैं, तो सर क्या उनकी जो अरेंजमेंट होती है किसी जिसका कोई चैनल है जिसका कोई ड्रामा चल रहा है तो उसमें जो उनके ऑडियो होती है क्या वो जो उस वक्त सीन चल रहा होता है उससे आगे पीछे नहीं हो सकती, सेम रहेगी? हाँ जी, देखे बेटे वो जिस स्पीड से आ रहे हैं सिग्नल्स कैरियर वेव्स बहुत ज्यादा कट रही है। अच्छा बेटे आप देखें, आप आवाज आ रही है आपको? ओके देखिए बेटे जो सिग्नल्स हमारे आ रहे होते हैं वो चाहे वो वीडियो सिग्नल्स हों ऑडियो सिग्नल्स हों वो हमारी कैरियर वेव्स ले आ रही होती हैं और वो एक ही स्पीड से आ रहे होते हैं, उनकी सिंक्रोनाइजेशन होती है, बिल्कुल मैच्ड होते हैं आपस में, और एट ए टाइम कोई एक ही सर्किट चैनल होता है जिसको हमारा जो ट्यूनर होता है ना उसका जो ट्यूनिंग सर्किट होता है टीवी का वो सिलेक्ट करता है, तो बाकी कोई चैनल जो है उसके सिग्नल्स एक तो इंटरफेयर नहीं कर सकते, दूसरी बात कि वो जो सिग्नल्स हमारे टीवी के जो ट्यूनिंग सर्किट उसने सिलेक्ट किए हैं उसमें वीएन के जो है और ऑडियो सिग्नल्स
वो एट ए टाइम जा रहे हैं और एक ही स्पीड से जा रहे हैं, क्योंकि कैरियर वेव तो एक ही है जो उनको कैरी कर रही है, जो वीएन डिकोडर की तरफ ले जा रही है या ऑडियो डिकोडर की तरफ सिग्नल जा रहे हैं, वो सेम कैरियर वेव लेकर जा रही है, इसलिए उनमें कोई फर्क नहीं आता, उनके सिंक्रोनाइजेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, आगे पीछे नहीं होंगे। जी और बताइए। सर मैंने आपसे पूछना था कि जो विंडमिल्स होती हैं हाँ जी, सर, वो तो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, लाइक जो बहुत ऊंची हाइट पर होती हैं, हाँ जी, तो उनके वो जो उनकी पोजीशन होती है उनको स्टैंड करना मुश्किल नहीं होता? और मतलब जिस तरह वो वहां पर एक ही जगह पे फिक्स रहे, अगर तेज हवा चल रही है तो हिले ना, या इस तरह को कुछ? बेटे उनको हमने इस तरह मजबूती के साथ इंस्टॉल किया होता है, फिक्स किया होता है, कि बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं और हवा के बहुत प्रेशर से वो चलते हैं, तो वो टूटने नहीं पाते, ये गिरने नहीं पाते। लेकिन देखें, खराबी तो बेटे कहीं भी हो सकती है, अगर कहीं कोई पोल हमारा गिर जाता है तो हम उसको दोबारा स्टैंड कर सकते यस सर, थैंक यू, यही था। हैं। ओके। जी बेटे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, बेसिक कंपोनेंट्स हमने पढ़ने हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के। इसमें है बेटे रेजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स हैं, सिलिकॉन। ये सिलिकॉन एक स्पेलिंग, आप ये ना समझना कि गलत लिखे हुए हैं, SILICON सिलिकॉन होती है। तो ये सिलिकॉन जो है ये डिवाइस है, सिलिकॉन चिप ये डिवाइस है, ये उस सिलिकॉन से बनता है, मिथाइल क्लोराइड वगैरह उस सिलिकॉन में मिक्स करते हैं और फिर ये सिलिकॉन बनता है जिसकी आगे चिप्स बनी होती हैं। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, IC का नाम सुना होगा आपने, ये डिफरेंट जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं डिवाइसेस के, उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के आपको बताया गया, इनको हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करते हैं। सेमी कंडक्टर्स बेटे देखें, ये वो मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को ही कंट्रोल करते हैं बेसिकली। तो मोस्ट कॉमन जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो सिलिकॉन है, सिलिकॉन से बनी बना हुआ मटेरियल है सिलिकॉन, चिप्स वगैरह इसकी होती हैं। और डिवाइसेस जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बने होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वाइडली यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए और एम्पलीफाई करने के लिए सिग्नल्स को, ये दोनों पर्पसेस इनके होते हैं कि सिग्नल्स को या तो एम्पलीफाई करेंगे यानी स्ट्रेंथ देंगे, या उनकी प्रोसेसिंग करते हैं आगे। मोस्ट कॉमन जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज यूज होते हैं वो सेमीकंडक्टर डायोड और ट्रांजिस्टर्स हैं। ये दो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। दोबारा मैं नाम पर, सेमीकंडक्टर डायोड और ट्रांजिस्टर। ये बेटे देखें, ये सेमीकंडक्टर डायोड है, डाई का मतलब दो होता है, डायोड इसके दो पोल्स होते हैं, इससे पी पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल से है। ये बेटे देखें, बताया कि सेमीकंडक्टर डायोड ये वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक करंट के, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक करंट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो हो सकता है, इसमें सिर्फ पी टू एन ही करंट मूव कर सकता है, एन टू पी नहीं मूव कर सकता, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट बैकवर्ड मूव नहीं कर सकता। तो इसके दो टर्मिनल जो है वो कौन से, एक पी टर्मिनल है और दूसरा एन टर्मिनल है, और करंट जो है वो पी से एन की तरफ जा रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता। तो इस वजह से इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, हम एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एसी ऑल्टरनेटिव करंट जो बार बार डायरेक्शन चेंज करता है, और डीसी वो होता है जो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो हम ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर सकते हैं सेमीकंडक्टर डायोड से। तो सेमीकंडक्टर डायोड का बेटे मैंने आपको क्या बताया कि इसके दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, और पी टू एन ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, करंट फ्लो कर सकता है, लिहाजा ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। दूसरा इसमें ट्रांजिस्टर्स की बात है, ट्रांजिस्टर जो है ये वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके थ्री टर्मिनल्स होते हैं, इसके तीन टर्मिनल होते हैं, और ये यूज कहाँ पे होते हैं, स्विचेस के तौर पे यूज होते हैं। ये कुछ ट्रांजिस्टर आपको यहाँ पे दिखाया गया, इसकी डिटेल आपके यहाँ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी डिटेल है इसकी, आपके यहाँ हायर क्लासेस में जैसे आएगी वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डायोड है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और इसके तीन टर्मिनल है, इसको डायोड नहीं कहेंगे क्योंकि इसके
तीन टर्मिनल है। डायोड वो होता है जिसके दो टर्मिनल थे, सेमीकंडक्टर डिवाइस ऐसा है जिसके थ्री टर्मिनल्स हैं, और यूज कहाँ पे हो रहे हैं, स्विचेस के तौर पे जो है ये यूज होता है। ये आपको कुछ इसकी पिक्चर्स दी गई हैं ट्रांजिस्टर्स की। उसके बाद आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है, ये बहुत ही छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जिनको हम आईसी कहते हैं, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं, और कॉमनली यूज कैसे होते हैं, कॉमनली कहलाते हैं आईसी। जैसे कहते हैं कि इसका आईसी जल गया है, इसका आईसी खराब हो गया, तो आईसी के नाम से हम ये मशहूर है। अब इसमें होता क्या, टाइनी सी बारीक सी इसमें सिलिकॉन चिप होती है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स जो है वो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, यानी लगाए गए होते हैं। कुछ आईसी तो ऐसे होते हैं जिनमें हजारों के हिसाब से कंपोनेंट जो है वो कंस्ट्रक्टेड होते हैं, सिर्फ 3 mm स्केयर सिलिकॉन चिप, यानी 3 mm स्केयर की सिलिकॉन चिप है, उसके ऊपर 1000 के करीब जो है वो कंपोनेंट्स बनाए गए होते हैं। अब जब आईसी का जो है वो यूज नहीं था, इसका इस्तेमाल नहीं था, इसके इस्तेमाल के शुरू होने से पहले क्या था कि कंपोनेंट्स जो थे ना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के, वो हमें आपस में कनेक्ट करने पड़ते थे तारों के जरिए। बहुत ज्यादा वायर्स जो हैं वो हमें यूज करनी पड़ती थी एक को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो आईसी ने ये सारा प्रोसेस ही एलिमिनेट कर दिया। ये जो था कि क्लम्सी वायरें क्या, ऑकवर्ड सी, जो अच्छी ना लगे जो ऑकवर्ड, तो इस क्लम्सी वायरिंग की जो जरूरत थी उसके सारे जो है, यानी देखें ऐसा कि वायरिंग बार बार की, बहुत ज्यादा बार तो वो खूबसूरती नहीं नजर आती, इसलिए उसको क्लम्सी वायरिंग कहा। तो आईसी के जरिए वो सारे कंपोनेंट्स आपस में मिल जाते हैं और वायरिंग की जरूरत भी नहीं रहती। यूजेस बेटे बताए गए हैं वेरियस डिवाइसेस के, जिसमें इनपुट डिवाइसेस हैं प्रोसेसर या आउटपुट डिवाइसेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बताया कि 3 types के हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसर हैं या आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या है बेटे, आप कंप्यूटर में जानते हैं कि कोई भी ऐसा डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस है, बल्कि हम यू कह सकते हैं कि किसी भी डिवाइस की जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करने वाला डिवाइस इनपुट डिवाइस होता है। माइक्रोफोन फॉर एग्जांपल देखें, ये इनपुट डिवाइस है, ये क्या करता है, ये साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कैमरा को देखें, ये पिक्चर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब ये दोनों जो इनपुट डिवाइसेस हमने मेंशन किए हैं, माइक्रोफोन हो गया या कैमरा है, ये दोनों क्या थे, इनपुट डिवाइसेस थे। इसके अलावा और इनपुट डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये कहाँ यूज होते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करने के लिए यूज होते हैं। अब स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, जिसके जरिए कि हम पिक्चर्स वगैरह जो होती हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन जो है उसको हम कंप्यूटर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ये कंप्यूटर के अंदर डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये आपको माइक्रोफोन, कैमरा, कीबोर्ड, स्कैनर, ये इनपुट डिवाइसेस की पिक्चर्स हैं, बुक में थी, ऐसे शो कर देंगे। आगे प्रोसेसर्स को देखें, प्रोसेसर बेटे मेन कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। इसका काम क्या, ये कन्वर्ट करता है इनपुट को आउटपुट में। एम्पलीफायर, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, अगर ये सारे क्या कॉमन यानी आम इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर्स हैं। एम्पलीफायर क्या करता है, ये एनर्जी जो होती है ना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की, जैसे पीछे मैंने आपको बताया टीवी के सिस्टम के अंदर जो वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, साउंड के हों या वीएन के हों, तो ये उनको क्या करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, उनकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं। जो माइक्रोफोन के आ रहे हों, लाउड स्पीकर को मसलन जा रहे हों, तो लाउड स्पीकर को भेजने से पहले ये एम्पलीफायर क्या करते हैं, उनको स्ट्रेंथ देते हैं, एनर्जी देते हैं। टीवी क्या करता है, टेलीविजन, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो उसको फीड किए गए होते हैं केबल के जरिए या एंटीना के जरिए उसको फीड किए होते हैं, उनको पिक्चर में और साउंड में कन्वर्ट करता है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी, जो टीवी के अंदर स्पीकर लगे होते हैं वो साउंड पैदा करते हैं, और जो टीवी की पिक्चर ट्यूब होती है वो वीएन के जो सिग्नल्स होते हैं, वीडियो सिग्नल्स, उनको पिक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद बेटे बताया कि जो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का है, ये भी एक अच्छी एग्जाम्पल है प्रोसेसर की। ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना कंप्यूटर के, ये उनको कंट्रोल करता है फॉर द पर्पस टू डिस्प्ले द आउटपुट रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर। मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर जो रिजल्ट्स आते हैं, तो कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को ये कंट्रोल करता है,
जो माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट में आपको आउटपुट डिवाइसेस का बताया गया, लास्ट है ये स्लाइड। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं बेटे, जो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। ये इनपुट डिवाइसेस के उल्ट हो गए, मतलब लाउड स्पीकर को देखें, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट कर देता है, लेस आउटपुट डिवाइस हुआ। स्क्रीन जो टीवी की होती है ये भी आउटपुट डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पिक्चर में कन्वर्ट कर देती है। और जो कंप्यूटर के हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे मॉनिटर है या प्रिंटर है, तो ये मॉनिटर क्या करता है, ये जो वीडियो सिग्नल्स होते हैं उनको पिक्चर में कन्वर्ट करता है। इससे प्रिंटर जो है हमें हार्ड फॉर्म में कॉपी मिलती है सॉफ्ट डाटा की। पता है कि आउटपुट कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस डिवाइसेस, ये कहाँ पे यूज होते हैं, हमारे घरों में यूज होते हैं, हमारे आसपास हम देखते हैं मार्केट्स में यूज होते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे टेप रिकॉर्डर है, टीवी है, कंप्यूटर्स हैं, इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं या इलेक्ट्रिक बेल्स हैं, ये कॉमनली यूज होते हैं घरों में, स्कूलों में, डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इनको यूज करते हैं। लाउड स्पीकर्स का देखें, मस्जिद में यूज होता है, हॉल्स में, सिनेमास में, थिएटर्स में, जहां जहां आवाज प्रोड्यूस करनी होती है, हमें पब्लिक को, गैदरिंग को एड्रेस करना होता है, जहां पे हमारी आवाज नहीं पहुंच सकती वहां पे हम लाउड स्पीकर यूज कर लेते हैं। तो रोबोट्स बेटे ये फैक्ट्रीज में यूज होते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो है हम रोबोट्स के जरिए हम मुख्तलिफ प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेटे आज के लेक्चर के बारे में था। अभी आपके क्वेश्चंस वगैरह जो है आप पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड्स इफ यू आर टू आस्क क्वेश्चंस। इफ यू हैव नो क्वेश्चंस देन यू आर टू स्टडी दिस चैप्टर एंड यू कैन इवन लिसन योर वीडियोस and then you can ask questions. ji bete aap pooch sakte hain question sir ji sir ek rotor aur stator batao rotor aur stator maine aapko bete bataya tha ki generator ke andar jo stationary part hota hai na generator ka usko stator kehte hain aur jo moving part hota hai usko rotor kehte hain main aapko diagram mein bhi dikha deta hu sir wo stator dobara bata denge awaaz karte hain ये देखें जो स्टेशनरी पार्ट है ना वो स्टेटर होता है। अब यहाँ पे बाहर कॉइल है ना वो रुकी होती है, वो मूव नहीं करती, तो वो स्टेटर है। और ये अंदर मैग्नेट मूव करता है तो उस मूविंग पार्ट को रोटर कहते हैं। तो जनरेटर का वो हिस्सा जो मूव करता है,